कि सारे देवी देवता और भगवान के अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? भारत शब्द का अर्थ केवल आज का जो यह भूखंड है इससे तात्पर्य नहीं, भारत पूरे पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था। भारत शब्द की व्याख्या भा मीन्स ज्योति प्रकाश, रत मीन्स लगा हुआ, जो आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने में जो प्रदेश लगा हुआ है उसे भारत कहा जाता था। एक समय था सनातन धर्म का प्रचार पूरी पृथ्वी पे था। आज भी हम पता करते हैं दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा मंदिर कहीं है अभी एग्जिस्टिंग, वह है कंबोडिया में। ये 402 एकड़ में फैला हुआ है। उसी प्रकार इंडोनेशिया में भी कई भगवान रामचंद्र के मंदिर देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया का जो एयरलाइंस है उसका नाम क्या है? गरुड़ एयरलाइंस। और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर समुद्र मंथन की लीला का चित्रण किया गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से भगवान के कई रूप ये पूरे विश्व में फैले हुए थे। पर हाँ, भगवान कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश को विशेष रूप से वे चुनते हैं, जिस प्रदेश में पवित्र नदी गंगा है, हिमालय है, और जहाँ कई ऋषि मुनियों ने की तप स्थली है। जैसे उदाहरण के लिए किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत में कहीं भी आ सकता है, लेकिन विशेष रूप से वो पहले दिल्ली आना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हमारे देश के सभी प्रमुख वहाँ रहते हैं और एम्बेसी दिल्ली में है। तो किसी भी देश के दूतावास, हाँ किसी भी देश के राजदूत जब भारत में आते हैं तो वे दिल्ली चाणक्यपुरी में वहाँ जाना पसंद करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, शास्त्रों में वर्णन है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जम्मू द्वीप में जो भारत खंड है वो सबसे अधिक पवित्र भूमि है। तो ये कारण है कि क्यों भगवान के नाना अवतार सब इसी प्रदेश में होते हैं। इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि देवी देवताओं के जो वाहन हैं वे सब ऐसे पशु पक्षी हैं जो भारत में पाए जाते हैं। जैसे गणेश जी हैं तो उनके वाहन क्या है? चूहा। दुर्गा माता के वाहन सिंह, बाघ, बाघ है, शेर भी है, ओके। और भगवान शिव के बैल, नंदी बैल। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, सिंह और बाघ विदेशों में भी होते हैं, बैल भी होते हैं, चूहे भी होते हैं। हाँ, अब ये नहीं कि कंगारू और ड्रैगन, अब इनकी उपयोगिता नहीं है इसलिए उनका वर्णन नहीं है। जिन पशुओं की उपयोगिता है तो शास्त्रों में उनका उल्लेख किया गया है।